हाँ जी भाई साहब, क्या हाल चाल है आप लोगों के? यस, वेलकम टू एमबीस मैन केव। बहुत गर्मी है भाई, दिल्ली में बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो गई है, और इतनी गर्मी हो गई है दैट फाइनली बियर थर्सडे इज बैक। बहुत टाइम से हमने इस चैनल पे कोई बियर का रिव्यू नहीं करा, एंड आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू टेस्टिंग न्यू बियर्स, बट द प्रॉब्लम इज कि एक तो लॉकडाउन लग जाता है भाई, जब भी गर्मी आती है लॉकडाउन लग जाता है, वाइन शॉप्स बंद हो जाती है, तो नई बियर कहाँ से लेकर आए? और जब खुलती हैं वाइन शॉप्स तो उनके पास वही बियर्स होती हैं जिसका हम रिव्यू ऑलरेडी कर चुके हैं। बहुत मुश्किल से मुझे जाकर, मैं रिसेंटली वाइन शॉप में गया जहाँ पर मुझे कुछ नए ऑप्शंस मिले। मैं नीचे जाता भी नहीं ज़्यादा, टू बी ऑनेस्ट, आई डोंट गो आउट मच। जब तक सेकेंड शॉट नहीं लग जाता, सेकेंड डोज नहीं लग जाती, तब तक मैं बाहर जाना अवॉइड ही करता हूँ। बट फाइनली आई गॉट सम न्यू बियर्स जिनका रिव्यू अभी तक हमने नहीं करा है, और जिनमें से एक है बैड मंकी बियर, जिसका आज हम करने वाले हैं रिव्यू। बैड मंकी क्या मतलब होता है? बैड मंकी का भाई मुझे नहीं पता क्या मतलब होता है बैड मंकी का। आई डोंट नो कि क्या सोच के रखते हैं नाम बियर वाले अपने। तो मैं परेशान हो गया हूँ कि इंडिया में जितनी भी बियर आती है कोई ना कोई जानवर के नाम पे उस बियर का नाम रखते हैं। थोड़ी क्रिएटिविटी ढूंढो यार, और जगहों पर जानवरों के अलावा और भी क्रिएटिविटी है। सो बैड मंकी बियर, जिसके कैन में बना है मंकी, बैड मंकी, जो कि कुछ स्मोक कर रहा है, कोई शुष्क नशा कर रहा है। आई एम नॉट रियली एन एक्सपर्ट ऑन दिस, सो आप लोग बताइए कि क्या चीज़ है जो भाई ये स्मोक कर रहा है। बट डेफिनेटली द कैन लुक्स क्वाइट कैची, दैट इज़ फॉर श्योर। आई डोंट थिंक कि मैंने बियर कभी टेस्ट करी इससे पहले, बट काफ़ी सुना है, आप लोगों से सुना है, बहुत लोगों ने रिकमेंड किया है कि बैड मंकी बियर ट्राई करो, उसका रिव्यू करो, एंड आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू ट्राइंग इट। साथ ही इसमें लिखा है सुपर स्ट्रॉन्ग बियर। अब देर इज़ वन थिंग विच यू गाइस शुड नो कि चाहे स्ट्रॉन्ग लिखो, लिटिल बिट स्ट्रॉन्ग लिखो, सुपर डुपर स्ट्रॉन्ग लिखो, 8% जो है लिमिट है इंडिया में बियर की, आप उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बियर नहीं बना सकते, जो एटलीस्ट जो पैकेज्ड बियर होती हैं। अब आई नो आप लोग बोलोगे कि नहीं, ब्रो कोड आती है 12%, 15%। भाई साहब, ब्रो कोड इज़ नॉट अ बियर। अगर कोई बोल रहा है आपको कि ब्रो कोड इज़ अ बियर, तो आप उसको मेरी तरफ से एक चपेट मारना, उसके बाद मेरे पास लेकर आना, मैं समझा दूंगा। सो ऑफकोर्स स्ट्रॉन्ग बियर्स इंडिया में हमेशा से पॉपुलर रही हैं। आई थिंक जो सबसे पॉपुलर कैटेगरी है बियर की, दैट इज़ स्ट्रॉन्ग बियर। बहुत तरह की बियर इंडिया में आ रही हैं आजकल। यू वीट बियर तो काफ़ी टाइम से आ रही है, IPA, जर्मन स्टाइल वीट स्ट्रॉन्ग बियर, विच इज़ अ कम्प्लीटली न्यू कैटेगरी। आयरिश रेड एल, स्टाउट बियर, पोर्टर बियर्स, ये सब इंडिया में आ रही हैं, बट स्टिल जो स्ट्रॉन्ग बियर की कैटेगरी है वो हमेशा से जितनी पॉपुलर पहले थी आज भी है, और नई नई स्ट्रॉन्ग बियर्स भी इंडिया में आ रही हैं आज की डेट में, विच इज़ फाइन, बिकॉज हर किसी को जो पसंद है उनको मिलना चाहिए। एंड द गुड थिंग इज़ कि स्ट्रॉन्ग बियर की जो नई कैटेगरीज आ रही हैं, दे आर ट्राइंग टू मेक बेटर प्रोडक्ट्स विद इन अ वेरी गुड बजट। जैसे कि ये बियर है 500 ml अ कैन, और इसका प्राइस है ओनली ₹100 फॉर द कैन। यस, ₹100 में आपको एक स्ट्रॉन्ग बियर पीने को मिल रही है, विच आई थिंक इज़ अ वेरी गुड प्राइस। टेस्ट में कैसी होगी, ऑफकोर्स ये हम जान जाएंगे, बट अगेन वेन यू हैव अ सर्टन प्राइस, तो हम अपनी एक्सपेक्टेशन को थोड़ा सा कर्व कर लेते हैं उसी के अकॉर्डिंगली। हम इससे एक 150 वाला जो कैन है उससे कंपेयर नहीं करेंगे। 100 की रेंज में आजकल काफ़ी अच्छी बियर्स आ गई हैं। आई हैव टोल्ड यू गाइज अबाउट सम बियर्स जो मेरी फेवरेट हैं और इसी प्राइस रेंज के आसपास ही आती हैं। सो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि क्या बैड मंकी उन बियर्स के साथ अच्छे से कम्पीट कर सकता है या नहीं। इंग्रेडिएंट्स की अगर मैं बात करूँ, जैसे मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ दैट एक रेगुलर बियर में 4 मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वाटर, मॉल्टेड बार्ले, हॉप्स एंड यीस्ट। उसके अलावा कुछ एडजंक्ट्स भी यूज़ करे जाते हैं कुछ बियर्स में, जैसे कि इसमें भी यूज़ करे गए हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स में लिखा है राइस / मेज / शुगर, तो शायद तीनों में से किसी एक चीज़ का यूज़ करा गया है। शुगर एज यू गाइज ऑलवेज नो थोड़ा सा बॉदरसम लगता है मुझे, आई डोंट नो कि क्यों शुगर का यूज़ करा जाता है। यूजली जो करा जाता है वो करा जाता है अल्कोहल परसेंटेज बढ़ाने के लिए विदाउट इंक्रीजिंग द बॉडी ऑफ द बियर, उससे टेस्ट थोड़ा सैक्रिफाइस होता है। मैं आप लोगों को बता चुका हूँ डिटेल में, बट देखने वाली बात होगी कि इस बियर के अंदर जो टेस्ट है क्या शुगर की वजह से सैक्रिफाइस हुआ है या नहीं।
सो लेट्स गेट टू द टेस्टिंग। और दोस्तों आज का हमारा वीडियो स्पॉन्सर करा है ई बुक सिंपल लॉजिक फॉर शेयर मार्केट, जिसे लिखा है शिवराज मात्रे जी ने। इस बुक से वो समझाते हैं कि कैसे आप भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं बिना कोई रिस्क उठाए, और स्पेशली अगर आप बिगिनर हैं शेयर मार्केट में अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, तो जो जनरल कंसेप्ट होते हैं, बेसिक स्ट्रैटेजीज होती हैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने की, उसे काफ़ी ईजी लैंग्वेज में उन्होंने समझाया है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है इस बुक को, उन्होंने एक ई बुक है और अमेजोन पर अवेलेबल है, तो इसे आप अपने डाउनलोड करेंगे अपने फ़ोन पर एंड यू कैन रीड इट एज पर योर कन्वीनियंस नो मैटर वेयर यू आर। सो जाइए चेकआउट करिए बुक को सिंपल लॉजिक फॉर शेयर मार्केट, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। चलिए खोलते हैं बियर को, ठंडा कैन है और एक पोर करते हैं और लेट्स फाइंड आउट कि कैसी बियर है ये। सो काफ़ी अच्छा खासा कार्बोनेशियस बियर में आप देख रहे हैं कि जिसको बबल्स हैं अभी भी ऊपर आ रहे हैं। इट हैज़ अ पेल येलो कलर और जो हेड है काफ़ी जल्दी डिसिपेटेट हो गया, काफ़ी जल्दी चला गया है। दैट्स अ साइन कि हो सकता है कि एडजंक्स ज़्यादा हो इस बियर में, बट अगेन वी विल नॉट जज इट जस्ट बाय द लुक्स। हैज़ अ नाइस हॉपी अरोमा, स्लाइटली सिट्रस, या बिट ऑफ ग्रासी अरोमा, एटलीस्ट नोज पर फ्रेश बियर नोज में आ रही है। इट डजन, जो कार्डबोर्ड जैसा अरोमा होता है स्टेल बियर का वो नहीं आ रहा है मुझे। लेट्स गेट टू द टेस्टिंग। डेफिनेटली टेस्ट लाइक अ स्ट्रॉन्ग बियर, एल्कोहल की जो बिटरनेस होती है वो उसमें डेफिनेटली आ रही है। आई थिंक एक डिफरेंस होता है स्ट्रॉन्ग और लाइट बियर में, जैसे टेस्ट पसंद है बियर का वो लाइट बियर पीता है, और जैसे ज़्यादा पंच पसंद है अल्कोहल को वो स्ट्रॉन्ग बियर पीता है। बट कुछ ऐसी स्ट्रॉन्ग बियर्स भी होती है जिसका, जो हालांकि होती स्ट्रॉन्ग है बट टेस्ट के मामले में टेस्ट करती है लाइट बियर जैसे, बट दिस इज डेफिनेटली नॉट वन ऑफ दोज बियर्स। दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बियर, उसका जो टेस्ट है वो भी एक स्ट्रॉन्ग बियर जैसे है, अच्छा खासा किक देगी आपको पहले घूट में ही। अगर आप इसे बिल्कुल चिल्ड करके नहीं पियेंगे तो कड़वाहट से थोड़ा सा मुंह भर जाएगा आपका। ईट समथिंग विद इट, बिना कुछ खाए अगर सिर्फ बियर पियेंगे देन इट विल नॉट टेस्ट रियली दैट गुड, सो इट्स बेटर टू पेयर इट विद सम काइंड ऑफ फूड। आई पर्सनली डोंट एन्जॉय बियर जो बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, बिकॉज आई लाइक टू टेस्ट माई बियर, बट शायद ये ऐसी बियर है जिसे ज़्यादा ठंडा करके पियेंगे तो उसका जो टेस्ट है, जो कड़वाहट है, थोड़ी सी दब जाएगी। एज ए सेट देर आर सो मेनी बियर्स जो मार्केट में आ रही हैं आज की डेट में, जो कि आपको एक अच्छी स्ट्रॉन्ग बियर प्रोवाइड करती हैं विद इन द सेम कॉस्ट एज कम्पेयर टू जो दूसरी और स्ट्रॉन्ग बियर्स ऑलरेडी हैं मार्केट में, बजट स्ट्रॉन्ग बियर्स, उनको एक अच्छा कॉम्पिटिशन देती हैं। येस दिस इज अ प्रिटी डिसेंट बियर इन दैट प्राइस रेंज, बट आई विल डेफिनेटली नॉट कंसिडर इट द बेस्ट और इवन इन द टॉप थ्री और टॉप फाइव लिस्ट। आई थिंक एक सर्विसेबल बियर है, इट्स अ डिसेंट बियर, जिस काम के लिए आप इसे पी रहे हैं वो काम पूरा करके देगी, बट डोंट एक्सपेक्ट वंडर्स फ्रॉम दिस बियर। अगर मैं बात करूँ टेस्ट की, आई थिंक टेस्ट के मामले में इट्स एज आई सेड इट्स सर्विसेबल। सर्विसेबल एक बिल्कुल परफेक्ट वर्ड है बियर के लिए, बिकॉज जिस पर्पज़ के लिए आप इस बियर को पी रहे हैं वो पूरा हो जाता है। आई विल गिव इट 6.8 आउट ऑफ 10 एज फार एज टेस्ट इज कंसर्न। शायद थोड़ा ज़्यादा लीनियंट हो रहा हूँ मैं, बट क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद कोई नई बियर टेस्ट करी है, बट या मैन इट्स फाइन, दैट्स ऑल आई कैन से। जितना नाम था उसके हिसाब से थोड़ा हाइप ज़्यादा है शायद। एज फार एज वैल्यू फॉर मनी गोज, आई थिंक 100 रुपीज़ के हिसाब से काफ़ी अच्छी बियर है, बिकॉज 100 रुपीज़ में आपको जो और बियर्स मिलती हैं, स्पेशली जो पुराने नामों की अगर मैं बात करूँ, दे आर यूजली प्रीटी बैड एंड दिस इज मे बी स्लाइटली बेटर। आई विल गिव इट 8.2 आउट ऑफ 10 फॉर वैल्यू फॉर मनी, तो इसका MBA's मैन केव स्कोर होता है 7.5 आउट ऑफ 10। एज आई ऑलवेज सेड कि टेस्ट हमेशा सब्जेक्टिव होता है, हो सकता है आपको ये बियर बहुत पसंद आती हो, मुझे इतनी पसंद नहीं आई, हो सकता है मैं कभी एक महीने बाद पीऊँ तो शायद मुझे ज़्यादा बेटर लगे।
बट एज ए से टेस्ट इज ऑलवेज सब्जेक्टिव. और बहुत सारी बियर्स हैं मार्केट में, आप लोग भी ट्राई करिए, मुझे बताइए कि कौन सी बियर्स आपको अच्छी लगती हैं, मैं भी ट्राई करूँगा. लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल पर सब्सक्राइब करिए. मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए पियो पैच पियो.